खनिया थाना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक आज के नीम तलाइया मकरैया मोहल्ला रजक मोहल्ले में पानी का संकट गहराया। पार्षद ने लगाए नगर परिषद अध्यक्ष पर सौतेलापन करने के आरोप। पार्षद बोले, वार्ड के हैंडपंप 15 दिनों से पड़े खराब, इसलिए वार्डवासी मुझे दे रहे गालियां। खबर खनिया थाना से है, वार्ड नंबर 8 से है, जहां गर्मियों की शुरुआत में ही वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया, जिससे आसपास के कुएं सूख गए हैं और पूरे वार्ड में 2-3 ही हैंडपंप हैं, जिनके सहारे से ही वार्ड 8 के बासिंदे पीने के पानी से ही काम चल रहे थे। वहीं हैंडपंप 15 से 20 दिनों से खराब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रहवासियों को 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। नगर परिषद की ओर से न तो टैंकर से पानी भेजा जाता है और न ही हैंडपंप ठीक कराए जा रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोग नगर परिषद CMO सहित वार्ड के पार्षद से कर चुके हैं, पर 15 से 20 दिन गुजरने के बाद भी हैंडपंप ठीक नहीं करा गए। वहीं जब इस मामले में हमारी टीम ने वार्ड पार्षद मनीराम अहिरवार से बात की, तो पार्षद ने नगर परिषद अध्यक्ष पर सौतेलेपन के आरोप लगाते हुए कहा कि मैं कई बार वार्ड में पानी की समस्या के बारे में बोला, पर अध्यक्ष मेरी बात को अनसुनी कर रहे हैं, मुझसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इस कारण वार्डवासी मुझे गालियां तक देते हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये वार्ड पिछड़ा हुआ है और मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी सहित सड़क निर्माण, नाली निर्माण और बिजली जैसी सुविधाओं से वंचित है। करीब 50 परिवारों के 250 से अधिक लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ पशुओं का भी, जिनका जीवन पानी की समस्या से कारण अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि अगर 2 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम सभी लोग नगर परिषद का घेराव करेंगे और नगर परिषद पर तालाबंदी करेंगे, जिससे कोई भी कार्य नहीं करने देंगे। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनीराम अहिरवार। आप इस वार्ड के स्थानीय पार्षद हैं जी, और आपका दायित्व बनता है, यहाँ करीब 200 लोगों का परिवार यहाँ निवास करता है और यहाँ पानी की कोई पीने की व्यवस्था नहीं है। हमने सर बार बार CMO साहब से भी बोल दिया और अध्यक्ष से भी बोलते हैं, तो जो बोलते हैं कि सामान नहीं है, करवा रहा है आज कम से कम, मेरी सर कम से कम मेरे लिए हो गया है 1 महीने से, कह रहा हूँ कि पानी से परेशान हो रहा है। देखो जल स्तर बिल्कुल गिर गया, यहाँ ना मेरे यहाँ पाइपलाइन है कि मैं वहाँ उससे सहयोग कर सकूँ उन लोगों का, और हेडपम्प है तो एक ही है तो वो बार बार मिट जाता है। उनसे बोलते हैं तो बोले सामान नहीं है। आपको पार्षद बने करीब 1-1.5 साल होने वाला है, तो आपने कोई मांग नहीं रखी कि यहाँ पर नल की लाइन होना चाहिए? सर मैंने बार बार जितनी बार भी बोला, मतलब मैं पार्षद बना हुआ था तभी मैंने लेटर पैड पर लिख के दिया था कि सर मेरे लिए पानी और सड़क मेन जरूरी है, मेरा वार्ड सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ इस है। इस वार्ड में नाली यहाँ भी नहीं है, नाली सड़क कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अध्यक्ष से आप कहते हैं, अध्यक्ष क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहता है करता है, मेरे 3 दिन से तो मेरी बहस भी ज़्यादा हो रही है उससे, बार बार बोल रहा, बोले आओ आ जाता है, आज भेज रहा हूँ, बोले टैंकर भेज रहा, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करी, टैंकर भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। तो ये जो स्थानीय लोग हैं आपके ये वार्ड के, ये कहाँ से पानी लेके आते हैं? ये कम से कम करीब पायलट साहब दाऊ साहब के वहाँ एक कुआ है, वहाँ से ले आते हैं, कहूँ यहाँ कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर से जहाँ जी का मौका लगता है वहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इस मोहल्ले में पानी के लिए पानी ही नहीं है। तो ये हैंडपम्प कितने दिन से खराब पड़ा हुआ है? कम से कम करीब 10-12 दिन होगा, 5 दिन से तो बराबर मैं बोल रहा हूँ उनसे, सही नहीं करवाया, नहीं करवा रहा है कर्मचारी नंजा कद बोले, जो कहते हैं कर्मचारी वोट डालने गए, अब कर्मचारी बताओ स्थानीय है ना के बाहर वोट डालने कहाँ गए? जैसे कि मान लो आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो और आप कहाँ तक जाएंगे? सर अब देखेंगे, अब जो भी करना है, अब सब पब्लिक, अब हम निकलते हैं यहाँ से बार बार तो पब्लिक हमारे लिए गाली गलौज तक कर रही कि तुमने काय के लिए हमने चुना था। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप किस स्तर तक जा सकते हैं? स्तर तो सर अब देखेंगे आगे तक, देखते हैं कलेक्टर साहब तक जाएंगे, सब पब्लिक को लेके जाएंगे और क्या करते हैं, नहीं होगा तो फिर नगर पालिका में ताला डालेंगे, वो इसी ब्रिज जैसा सिस्टम बनाने पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राम भाई। आप यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के रहने वाले। अभी जो हेडपम्प खराब है ये कितने दिनों से खराब है? 15 दिन हो गया। यहाँ नगर परिषद पानी के लिए टैंकरों की कोई व्यवस्था करती है? कोई नहीं है, कछु कोई नहीं सुना। कितनी दूर जाना पड़ता है? 0.5 किलोमीटर दूर, बहुत ज्यादा दूर। कितने घर हैं इस मोहल्ले में? हुए थे 20-25 घर। कितने लोग रहते हैं? करीब 100-200 लोग। हाँ। और पानी के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? 1.5 मीटर। 1.5 किलोमीटर। हाँ, दूर। हाँ। और पानी मिलता है? नहीं मिलता है, मिलता है सिर्फ मचो सचो पी रहे, चाय जैसा सब पिया सब। और मोहल्ले वालों ने कहीं शिकायत की है? कितने करी? नगर पालिका। क्या कही थी उनने? सुधार देंगे, आ जाएंगे। कितने दिन में? ना कितने, ना आ जा रहे ना काला है। 15 दिन से खराब पड़ा? हाँ 15 दिन से खराब पड़ा। ना बेटा अल्लाह भी। पानी कितने से ले आते तुम? 1-2 किलोमीटर किलोमीटर से।
अच्छा, वो जो हेडपम्प लगो तुम्हारे मोहल्ला में जो मिट गाओ कब से मिटो? 15-3 दिन। अच्छा, तो तुमने कितना कही नहीं है कि जो हेडपम्प खराब हुआ है? फिर का के बोला था सही कर दे अभी तक नहीं कराओ? अच्छा, कितनी उम्र हुई है तुम्हारी भाई? अब जाने अब हम कहना भाई 70 के आसपास तो हुई है। 60-70 तो यहाँ नहीं है भाई। कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है आपको? 2 मीटर हो जाए, 3 मीटर हो जाए, हम ले आ नहीं पाओ, नंग नहीं पाते हैं। हेडपम्प कब से खराब पड़ो? जो 15-15 महीना हो जाए। 15-20 दिन हो गए जब से खराब? डरो खराब है। नगर पालिका वाहन से कही तुमने? हाँ खूब कही। कहा कही उनने? क्या कहते हैं सुधरवा देंगे। अभी तक नहीं सुधरवा? ना सुधरवाओ ना कुछ करवाओ। टैंकर वगैरह आ थे? नहीं, टैंकर वगैरह कुछ नहीं है। जब मोहल्ला में पाइपलाइन डली है? नहीं, बिल्कुल नहीं डली। नल भी नहीं है कोई? नहीं, कुछ नहीं है। तो आप लोग 1-1.5 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है? नहीं, पाउद नहीं है बेटा। नाम है आपका? सुखवती। यहाँ जो पानी की व्यवस्था नहीं है, और आप लोग कितनी दूर जाना पड़ता है पानी? बहुत दूर जाना पड़ता है जी। कितनी दूर? बहुत आधा क्या आधा आधा दूर जाने पड़ता है यहाँ से, आधा मीटर आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ जो हेडपम्प लगा हुआ है, इस हेडपम्प में पानी आता है कि नहीं? पानी बहुत कम आता है जी, बहुत कम, बहुत परेशानी है। ये खराब पड़ा है कब से पड़ा है जी? 15 दिन हो गए जी। आपने कहीं शिकायत की है इसकी? शिकायत की तो कोई सुनता ही नहीं। कहाँ शिकायत की आपने? नगर पालिका में। अच्छा, क्या कह देते हैं आपसे जी? कह देते कि हाँ सुधरवा देंगे। अभी तक नहीं सुधरा? नहीं सुधरा जी। तो आप और आपका परिवार पानी के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? बहुत परेशान हो रहा है, सारे गाय हैं भैंस हैं सारे प्यासन मर रहे, आदमी भी परेशान हो रहे हैं।